जब इसने मुझे फोन किया था और मुझे कहा कि मेरा 25th बर्थडे है, तो मैंने कहा 25th कहना जरूरी था क्या? नहीं, आप 25वां बर्थडे है, बिल्कुल एक बड़ी सी पार्टी तो बनती है और इतना अच्छा काम कर रहा है तो सेलिब्रेशन बनता ही बनता है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश हिम लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस. ये बचपन से काम करते आ रहा है. मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा 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 अच्छा काम करता रहे. कुछ ऐसी बातें लाइक एज अ कोस्टार, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट हिम? सी, आई लाइक द पैशन अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम. जो आए थे शो में, ये मेहरजान पता नहीं अंदर चला गया. सो अविनाश, जिज्ञासा और मेहरजान जब शो में आए थे, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस था कि अगर ये अच्छे नहीं आए तो मेरे जगह क्या होगा. बट गॉड इज बीन काइंड, सारे आपसे आए. 3 days आज ये रियूनियन हो रहा है हमारा, तो हमें आना ही था इस बर्थडे पार्टी में, तो वी वर वेरी एक्साइटेड. कितना मिस कर पाते शक्ति जब हम मिलते हैं, जब कोस्टार मिलते हैं तो कुछ बातें होती रहती है. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मेरे लिए शक्ति 6 साल रहा है. इनफैक्ट एक ऐसा, अभी कुछ टाइम पहले एक छोटा सा गेट टुगेदर था जहाँ पे मैं रो पड़ी थी और मुझे रोते रोते देख के ये भी रो पड़ी थी. तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं. इट वॉज नॉट ओनली अ शो फॉर अस, एक फैमिली बन गई और एक एक ऐसा इमोशन है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा. इसलिए आज मैं मैंने अभी अभी एक नए शो की शूटिंग शुरू की है. मैं उसी स्टूडियो में गई, उसी सेट पे गई. बहुत हेक्टिक दिन था. प्लीज दुआ करो मेरे लिए. नया शो है, संजोग अच्छा चले. कुछ बताना चाहोगे उस शो के बारे, आपके किरदार के बारे में? कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक किया नहीं है. आप लोग प्रोमो देख के शायद पता चल ही गया होगा. सो बहुत मेहनत है और एक नया कैरेक्टर है तो उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है. सो मैं अभी नायगांव शूट करके घर जाके फ्रेशन अप होके फिर आई हूँ. तो आप सोच सकते हैं कि ये शक्ति की जो टीम है उनसे मिलने का एक चाव भी था. अभी डेफिनेटली मैटर्स टू मी अलॉट. सो वो भी है. सो हाँ, हमारी शक्ति की टीम को भी बहुत सारा प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि शक्ति 2 वापस आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए. और संजोग को भी बहुत सारा प्यार दीजिए जो बहुत जल्द आने वाला है.